रहीम बसमीम्स नाजरीन मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू नेशनल नरेटिव नाजरीन बेशक इमरान ख़ान एक अजीम सियासी रहनुमा है और उन्होंने अपने बहुत गहरे सियासी तदब्बर का मुजाहरा किया है और बहुत बड़ी सियासी जो एक चाल है बर वक्त उसको चला है और ये सबत किया है कि ही इज़ द मोस्ट रेलिवेंट पोलिटिकल लीडर ऑफ पाकिस्तान वो सबसे मकबूल और हरदीज़ रहनमा तो है ही हैं लेकिन उसके साथ साथ अभी जो उन्होंने बातचीत की है कामरान ख़ान के साथ इंटरव्यू में और जिसमें उन्होंने ये कहा है कि वो आर्मी चीफ की तैनाती को अगली मंतख हुकूमत तक ले जाने के लिए एग्री करते हैं और वो चाहते हैं कि ये जो एक अरेंजमेंट के तहत आई हुई हुकूमत है ये आर्मी चीफ की तयनती ना करे बल्कि जो इलेक्शंस के बाद नहीं आने वाली हुकूमत है जो अवामी मैंडेट लेकर आएगी वो आर्मी चीफ की तयनती करे क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी अपॉइंटमेंट आर्मी चीफ ही की अपॉइंटमेंट है बेशक जो खान साहब ने ये बात की है ये बहुत एक बड़ी बात है और तदब्बर की बात है और ख़ान साहब ने साथ ये भी बात की है कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उनको बोलने की इजाज़त होती तो शायद वो माफ़ी मांग लेते और जो जुडिशरी के साथ उनका तनाव था वो भी ख़त्म हो जाता यानी खान साहब अपनी पॉलिटिकल विजडम की हाइट पे हैं इस वक्त एक साइड पे वो आर्मी के साथ भी अपने जो स्कोर्स हैं उनको सेट कर रहे हैं दूसरी साइड पे जुडिशरी के साथ भी अपने मामला को सेट कर रहे हैं तीसरी साइड पे वो अमेरिका के साथ भी अपने मामला को सेट कर रहे हैं उनके उनकी जो मीटिंग हुई है अमेरिकन रॉबर राफेल से उसकी भी वो दबे लफ्जों के अंदर तस्दीक कर रहे हैं तो ये बहुत ही आप समझ लें कि प्लेजेंट उन्होंने सरप्राइज दिया है पाकिस्तान को और हम इससे बहुत खुश हैं और ये जो बात थी इसका इंतज़ार किया जा रहा था पिछले काफ़ी टाइम से तो बहरहाल ख़ान साहब ने देर आए दुरुस्त आए की मानंद ये बहुत अच्छा काम किया है कि बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते तो खान साहब का ये लॉन्ग अवेटेड पोलिटिकल एक मूव थी जो उन्होंने की है क्योंकि नाजरीन आपको पता ये होना चाहिए कि अपार्ट फ्रॉम ऑल दी थोरटिकल और अदर एकेडेमिक डिस्कशन प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली पाकिस्तान आर्मी इज द मोस्ट फॉर्मिडेबल पोलिटिकल एक्टर इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स और उसको नजरअंदाज करके उससे उलझ कर उसको नीचा दिखा के और उसको सरे आम गली बाजार के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर और उ, उनको इस तरीके की आप ह्यूमिलेशन देकर आप ये चाहे के पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम ले आए और पाकिस्तान के सबसे बड़े रहनुमा बन जाए तो ये इट इज जस्ट इक्वल टू लिव इन फूल्स पैराडाइज और ये खान साहब ने जो इधराक किया है ये अच्छा इधरा किया है मैं तो ये समझूंगा कि खान साहब ने ये जो एक यूटर्न लिया है ये सौ टर्न है ये है, ये रिव्यू है है उनकी कि उन्होंने जब बहुत ज्यादा गौरखाज किया है उस गौर के बाद ही हैज कंक्लूडेड दिस थिंग वेरी क्लियरली कि इधर मुझे जो स्ट्रेटेजी अभी चाहिए वो ये चाहिए कि मैं अपने ये स्कोर सेटल से करूं और ये जितने पीडीएम और दिगर जो सियासी लोग हैं इनको मैं डिटर कर जाऊं और इनको चैलेंज करूं और इनको नीचा दिखाऊं और मैं ये जो बातचीत उन्होंने की है तो यही बातचीत हम पिछले कितने अरसे से बात कर रहे थे अपने पीटीआई वाले अहबाब को ये बात हम कर रहे थे कि खान साहब इधर ना उलझे इधर ना उलझे इतनी ना करें क्योंकि खान साहब तो खुद आते फौजी हैं ये खान साहब की बात है खान साहब खुद कहते हैं अगर मैं क्रिकेटर ना होता तो रिटायर्ड कर्नल होता ये दीज आर वर्ड्स ऑफ खान साहब तो भाई खान साहब का और आर्मी का जो वर्किंग रिलेशनशिप रहा हुआ है वो तो दोनों एक सेम के ऊपर दो कालब यकजान थे और बीच में इख्तलाफ आ जाया करते हैं और बड़े लोगों के बड़े अख्तलाफात होते हैं और फिर वो जाते जाते थोड़ा टाइम लगा लगता है उनको तो चलो ये इख्तलाफात के ख़त्म होने की ये जो शनीद आई है ये बहुत ही अच्छा इकदाम है और इससे मैं पी टी आई वालों से ये गुजारिश करता हूँ कि आप भी अभी थोड़ी सी ये जो हमवारगी हम्वा, पैदा हुई है इसको मज़ीद इस्टैबलिश करें और ये जो आपस के अंदर इतनी कदूरतें हैं नफ़रतें हैं इनको मज़ीद बढ़ावा न दें और आप एक इनके साथ ताल्लुक की नॉर्मलाइजेशन करके आगे बढ़ें और नाजरीन एक और बात बहुत वाज बात है कि खान साहब जब स्टार्ट के अंदर आए थे स्टार्ट में इन्होंने सारे लोगों को साइमल्टेनियसली चैलेंज कर दिया था जब हुकूमत संभाली थी मीडिया को भी इन्होंने टफ टाइम दिया ये जो बिजनेस कम्युनिटी थी उसके खिलाफ भी हो गई ये जी बिजनेस माफिया है पोलिटिकल एलिट को तो ये कहते ही माफिया थे और उसके अलावा जो मीडिया भी लॉयर्स भी पूरे का पूरा मुल्क और इसके अलावा ब्रोक्रेसी के भी खिलाफ हो गए कि इनको भी मैंने टाइट करना है यानी कोई एक इदारा नहीं बचा था जिसको इमरान ख़ान ने चैलेंज नहीं किया बैक वक्त तो हम तब भी बात कर रहे थे कि बयाक जब वो काम किए तो फिर कामयाबी उस तरीके से ना मिल सकी जैसे मिलनी चाहिए थी तो यह तो अल्लाह ने उनको उनका एक मुकदर है मुकदर के सामने कोशिश जो है वो जेर हो जाती है मुकद्दर था कि उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट लीडर बनना है डिस्पाइट ऑल द प्रॉब्लम्स तो वो बन गए अभी भी जब ये बयक वक्त सारी पीडीएम को चैलेंज कर रहे थे अमेरिका को चैलेंज कर रहे थे मीडिया को ये चैलेंज कर रहे थे अभी भी और साथ आर्मी को चैलेंज कर रहे थे तो हमने ये कहा कि आप सबको बयक वक्त टेकअप ना करें आर्मी ने आपको बहुत सपोर्ट किया है आर्मी में बहुत तानो तशनी आपके लिए बर्दाश्त की है सिलेक्टर सिलेक्टर की बहुत उन्होंने एक तरह से गालियां बर्दाश्त की हैं आपके लिए इतने ताने मैंने बर्दाश्त किए हैं तो अभी अगर थोड़े से ताल्लुक आपके कशीदा हो गए उनसे तो आप थोड़ी सी चुप साध लें ये ऑटोमेटिकली करेक्ट क्रेक, करेक्ट मोड पे आ जाएंगे और आपके ताल्लक बहाल हो जाएंगे लेकिन खान साहब ना रुके और इनको रगड़ते रहे और जो भी सोशल मीडिया का ये इनका वो एक ब्रिगेड था उससे गोला बारी करते रहे और मैं तो समझता हूँ कि मिसाइल और हाइड्रोजन बॉम्ब भी मारते रहे इस आ, मुकदस इदारे के ऊपर तो उससे हुआ क्या उससे हुआ तो ये कि कुछ हद तक इदारे की जो रेपुटेशन थी जो इमेज था जो उनकी परसेप्शन थी इन द पब्लिक ऑफ पाकिस्तान वो डैमेज हुई लेकिन साइमल्टेनियसली इधर भी नुकसान हुआ खान साहब को भी नुकसान हुआ तो इसमें लड़ाई तो इमरान खान की अपने पोलिटिकल पावर्स के साथ थी हम ये कहते पहले इनको आप जेर कर ले जब कल को पावर में आ जाएंगे आप इतने अजीम लीडर बन जाएंगे कि आप ये समझें कि टू थर्ड की मेजोरिटी है और आप लेजिस्लेशन करके आप सिविल सुप्रामेसी को लाना चाहते हैं फौज को इन लेटर अंडर कमांड करना चाहते हैं लाइक तैयबान तो वो एक वक्त आएगा वो वक्त को आने तो दे पहले बच्चे ने नौ महीने बाद पैदा होना है चार महीने के बाद आप बच्चा नहीं पैदा कर सकते और आप जो रोजा है उसको असर के करीब आके मत तोड़े मगरब के वक्त उसकी जो अफ्तारी है वह होनी है आप उससे पहले ये कोशिश करेंगे तो फिर आप नाकाम हो जाएंगे ये हम बात करते रहे ये अप्रैल से लेके अब तक तो शुक्र है खान साहब ने ये बात समझी है और ये एक देर आए दुरुस्त आद की मानंद बात है और ये अभी मिलना चाहिए मिल के चलना चाहिए और मुल्क एक इस वक्त मुशी तौर पर हालत नजा के अंदर है और इसके अंदर पुलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए और मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान खपे का टाइम है और इसी तरीके से हमें आगे बढ़ना होगा और ये तारीख अभी खान साहब के लिए, लिए लिखी जाएगी और वाक़ता ये जो उन्होंने मूव किया है ये इनको फ़ायदा देगी अगला इलेक्शन खान साहब का है वो क्लियर कट मेजोरिटी से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होंगे और उनकी जितनी दिगर ओपोनेंट जमाते हैं वो शिकस्त का सामना करेंगी और जब वो शिकस्त खाएंगी और इमरान ख़ान फातह की हैसियत में मुल्क के दो तिहाई से ज़्यादा अक्सरीत के वज़ी अजम होंगे फिर मुल्क के अंदर इकानमी भी बेहतर होगी सियासत भी बेहतर होगी सिविल मिलिट्री तल्ल भी बेहतर होंगे तो ये जो उनका फिर ये वाला यू टर्न है ये बहुत ही खुश आइंद है और वसी तर मुल्की मफाद के लिए ये बहुत अच्छा इकदाम किया है खान साहब ने तो नाजरीन अब तक के लिए इतना ही अब टी नेक्स्ट टाइम थैंक यू वेरी मच पाकिस्तान जिंदाबाद